आज हम उपमान प्रमाण की उपयोगिता की बात करते हैं। तो उपमान प्रमाण का जैसे इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि प्रसिद्ध वस्तु की सिमिलैरिटी से अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान हो जाता है। तो यानी कहाँ कहाँ उपमान प्रमाण हम लोग डेली रूटीन में और कहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो सामान्य विशेष सिद्धांत है पदार्थ विज्ञान में, उसमें क्या है, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च। यानी शरीर के अंदर जो जो भावों की वृद्धि होती है, तो यानी वृद्धि करने के लिए सिमिलर भाव चाहिए। अगर जल की कमी हो गई तो जल लेना होगा, है ना, मांस की कमी हुई तो मांस, ऐसे जो गुण कम हो गए उसको पूरा करने के लिए सामान्य यानी सिमिलर चीज़ों के गुणों का या द्रव्यों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसे ह्रास में भी क्या है, जो चीज़ कम हो गई उसको पूरा करने के लिए हमें और चीज़ लेनी पड़ेगी। तो सामान्य विशेष सिद्धांत में क्या है कि अगर कुछ कम हुआ शरीर में तो उसको बढ़ाने के लिए उस जैसे आहार या औषध द्रव्य लेने पड़ते हैं, और जो बढ़ जाए उसके विरुद्ध यानी असमान उसके अगेंस्ट चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो इस तरह से उपमान प्रमाण का सामान्य और विशेष सिद्धांत में उपयोग है। ऐसे ही अगर हम दिनचर्या में देखें, दिनचर्या में कहते हैं कि आँखों में अंजन लगाना चाहिए, अस्त्योत्तन करना चाहिए, तो उसका उपमा दी गई है कि जैसे आकाश में अगर चंद्रमा है और ऊपर बादल हों, तो आँखों में सुरमा लगाने से, अंजन लगाने से आँखें वैसे ही साफ हो जाती हैं जैसे अगर आकाश के बादल हट जाएं और चंद्रमा दिखाई देने लगता है। सिमिलर कि नेत्रों में अंजन का इतना लाभ होता है कि दृष्टि बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है, जैसे बादलों के हटने से आकाश में चंद्रमा दिखाई देने लगता है। इसी तरह से व्यायाम में भी उदाहरण दिया गया है उपमान का कि व्यायाम जो है ऋतु के अनुसार शरीर के बल के अनुसार करना चाहिए। जैसे वृद्धों को बच्चों को मना किया गया, ऐसे ऋतु के अनुसार भी ग्रीष्म ऋतु में कम व्यायाम करने का आदेश आयुर्वेद में बताया गया है, नियम बताया गया है। तो यानी व्यायाम भी अगर कोई व्यक्ति अपनी शक्ति से ज़्यादा करता है, यानी उसकी कैपेसिटी कम है और उससे ज़्यादा अगर करेगा, तो उसकी उपमा ऐसे हाथी से की गई है कि जो वजन को खींच रहा है, या फिर ऐसा शेर जो हाथी को खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से व्यायाम ज़्यादा करने वाला व्यक्ति वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे एक कमज़ोर शेर बड़े सारे हाथी को खींचने लगता है। तो ये भी उपमा का एक उदाहरण है। ऐसे ही हम एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में भी बहुत से उपमान के उदाहरण देखते हैं कि जैसे अपनी जो ये जो बोन्स हैं उनकी दी हुई है क्लासिफिकेशन, उसमें 5 तरह की बोन्स होती हैं, है ना। तो उसमें फॉर्मूला भी है करुणावत, यानी कपाल, रुचक, तरुण, वलय और नलक। तो यानी कपाल अस्थियां सिर वाली क्रेनियल बोन्स को बोलते हैं। तो कपाल इसका नाम इसलिए जैसे घड़े के टुकड़े हो जाएं तो वो उसको कपाल बोलते हैं। तो कपाल के टुकड़ों जैसी क्रेनियल बोन्स, यानी ये उपमा हो गई उन अस्थियों को पहचानने के लिए। ऐसे रुचक, रुचक साबुत नमक को बोलते हैं। तो जैसे वो नमक भंगुर होता है, वैसे ही जो टीथ की जो बोन्स हैं वैसी भंगुर होती है, इसलिए उनका नाम रुचक डाल दिया। ऐसे तरुण, तरुण अस्थि कार्टिलेजिनस बोन्स को बोलते हैं। और तरुण यानी जो छोटा बच्चा होता है, सॉफ्ट होता है, बिल्कुल छोटी सी चोट से भी जल्दी उसका फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसलिए जो कार्टिलेजिनस बोन्स है उनको तरुण बोलते हैं। वलय बोलते हैं कड़े को, यानी राउंड जो हम बाँह में डाल लेते हैं, कड़ा कंगन डाल लेते हैं उसको वलय। तो जो भी राउंड शेप की बोन्स हैं उनको वलय अस्थि बोला जाता है, जैसे वर्टिब्रल कोलम की बोन्स हो गई या फिर रिब्स हो गई, इस तरह से इनको वलय अस्थि के अंतर्गत लिया गया। इसी तरह से नलक, नलक लॉन्ग बोन्स को, जैसे फीमर बोन हो गई, टिबिया हो गई, ह्यूमरस हो गई, इनको नलक अस्थि बोलता है क्योंकि इसमें नलक के आकार की इसकी आकृति होती है। तो ये उपमा दी गई है। ऐसे शलाका, सलाई जैसी, जो ENT के इंस्ट्रूमेंट है देखे होंगे आप लोगों ने, उसमें सलाई जैसे आकार के इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ईयर प्रॉब होता है, है ना, तो उसका नाम शलाका है। तो यानी करुणावत, ये सभी अस्थियों के नाम उपमान के आधार पर, उनके आकार के आधार पर, उनकी रचना के आधार पर हम लोगों ने इसके रखे हुए हैं, और उपमा से हमें उसको पहचानने में भी बहुत ही आसानी होती है। इसी तरह से कुछ और भी उदाहरण मैं बताती हूँ।